सत श्री अकाल जी, इंडिया न्यूज़ पंजाब देख रहे हो। तुसीं मैं हां नीलम शर्मा, बुलेटिन दा आगाज़ करांगे। पटियाला पुलिस वालों 15 अगस्त 75वें आज़ादी दिहाड़े दे रूप विच मनाया जा रहा है, ते जिस करके पटियाला पुलिस ने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन ते चैकिंग अभियान शुरू किया है। इत्थों तक कि स्पैशल फोर्स भी मंगवाई गई ते आज़ादी दिवस के मद्देनज़र पूरे मामले ते पटियाला दे SSP संदीप गर्ग ने इंडिया न्यूज़ दे नाल खास गलबात करके जानकारी दी। 15 अगस्त के मद्देनज़र पटियाला पुलिस के द्वारा जो चेकिंग अभियान है वो भी शुरू कर दिया गया और मुकम्मल तैयारियां कर दी गई। SSP पटियाला संदीप गर्ग हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, बात करें किस प्रकार की जो इंतजाम है वो किए गए हैं, कुछ फोर्सेस क्या बाहर से भी मंगाई गई हैं या पटियाला फोर्सेस पूरी थी? सबसे पहले तो मैं 75वें आज़ादी दिवस की सबको बधाई देना चाहूँगा और जो हमारी सुरक्षा के जो प्रबंध हैं वो सारे मुकम्मल हो चुके हैं। सारी हमारी फोर्स जो है इसी चीज़ में लगी हुई है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं बॉर्डर पे जो थ्रेट है वो भी काफ़ी इस बार सीवियर है और उसको मद्देनज़र रखते हुए सेंसिटिविटी जो है, हाई अलर्ट जो है वो काफ़ी हो रखा है इस टाइम पर। तो हमारी जो सारी फोर्स है इसी चीज़ में सुरक्षा के लिए तैनात है। हमारी चेकिंग्स जो हैं और पेट्रोलिंग है रेगुलरली जो चल रही है। इसके अलावा कुछ फोर्स हमें बाहर से भी आई हुई है, उसको भी हमने इसी सुरक्षा के मद्देनज़र से डिप्लॉय किया हुआ है। जो चेकिंग अभियान है दिन रात चल रहा है या दिन में चल रहा है? नहीं, ये तो 24 आवर्स जो है हमारा जो चेकिंग अभियान है वो चल रहा है। इनफैक्ट हमारा क्योंकि इंटरस्टेट काफ़ी रोड्स भी जाती हैं तो वहाँ पे भी नाके लगे हुए हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी नाके लगे हुए हैं और रेगुलरली ये चेकिंग जो है 24 आवर्स जो चलती रहती है। जो बाहर से अंदर की तरफ आने वाले रास्ते हैं उसमें किस प्रकार के इंतजाम किए गए? हर एक जो अंदर से आने वाला एंट्री पॉइंट्स जो है उन सब पे हमने नाके जो है वो मेजॉरिटी लगाए हुए हैं और 24 आवर्स जो है नाकाबंदी वो चल रही है इस टाइम। कुछ फोर्सेस बाहर से भी ली गई है? सर, बाहर से हमारे पास कुछ जो ARPs हैं, जो PAP की कंपनीज हैं वो आई हुई हैं और उनको डिप्लॉय किया हुआ है। महिला पुलिसकर्मी भी तैनात की जा रही है? हाँ जी, हाँ जी, महिला पुलिसकर्मी भी तैनात है। सारी फोर्स हमारी इसी चीज़ में कि 15 अगस्त को जो है शांति से और सुरक्षित जो है मनाया जा सके उसी चीज़ में लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं पटियाला पुलिस के द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जो चेकिंग अभियान है वो भी चल रहा है और कहीं ना कहीं सुरक्षा के मद्देनज़र जो पटियाला की तरफ आने वाले बाहर से रास्ते हैं वहां पर भी चेकिंग की जा रही है। पटियाला से कैमरामैन चिराग के साथ अविनाश कंबोज, इंडिया न्यूज़ के लिए। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं पटियाला के रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर पटियाला पुलिस के द्वारा जो चेकिंग अभियान है वो किया जा रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। तो साफ तौर पर जो तस्वीरें हैं वो बयां कर रही हैं कि किस प्रकार से पटियाला पुलिस के द्वारा जो चेकिंग अभियान है वो किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पटियाला के रेलवे स्टेशन पर जो चेकिंग अभियान है वो पटियाला पुलिस के द्वारा किया जा रहा है और महिला पुलिसकर्मी भी यहाँ पर जो है वो तैनात की गई हैं। लोगों की जो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पटियाला रेलवे पुलिस के द्वारा भी जो चेकिंग अभियान है 15 अगस्त के मद्देनज़र वो शुरू कर दिया गया है। लोगों की सुरक्षा को देखते हुए रेलवे गाड़ी जितनी भी पटियाला के रेलवे प्लेटफार्म पर आ रही है वहाँ पर चेकिंग की जा रही है। पटियाला से कैमरामैन चिराग के साथ अविनाश कंबोज, इंडिया न्यूज़ के लिए। इस वक्त हम मौजूद हैं पटियाला के बस स्टैंड पर, जहाँ पर पटियाला पुलिस के द्वारा 15 अगस्त के मद्देनज़र जो चेकिंग अभियान है वो शुरू किया गया है। इस पूरे मामले की जो जानकारी है SSP पटियाला ने देते हुए बताया कि 15 अगस्त के मद्देनज़र पटियाला पुलिस के द्वारा 2400 घंटे जो चेकिंग है वो की जा रही है, जिसके चलते हुए पटियाला के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और कई भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर भी जो चेकिंग की जा रही है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर जो यात्री हैं इनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो पटियाला पुलिस के द्वारा है सुरक्षा के कड़े इंतजाम, जो पटियाला की तरफ आने वाले जितने भी रास्ते हैं वहां पर भी जो कड़े इंतजाम पटियाला पुलिस के द्वारा किए गए हैं और चेकिंग अभियान जो शुरू कर दिया गया है। पटियाला से कैमरामैन चिराग के साथ अविनाश कंबोज, इंडिया न्यूज़ के लिए। 15 अगस्त का फंक्शन है का जी, आज फुल ड्रेस रिहर्सल थी साढ़े चीफ गेस्ट लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर जो साढ़े धर्मेंद्र साहब ने वो आ रहे हैं। सारी जी तैयारियाँ मुकम्मल है जी, कोविड प्रोटोकॉल के मद्देनज़र जोड़ा है फंक्शन भी जी है, कई जिहड़े इवेंट होंदे सीगे वो नहीं कर रहे बिकॉज वी वॉन्ट टू टेक लॉट ऑफ प्रीकॉशन दिस टाइम। आपां नूं पता है जिस हिसाब नाल कोविड वध जांदा हैगा बिहेवियर भी हैगे, उहदे बाद जिहड़ा हैगा फंक्शन दा जिहड़ा हैगा बहुत छोटा जिहा होएगा। उहदे अलावा जिहड़ा हैगा सारा जिहड़ा कोऑर्डिनेशन हैगा पुलिस दे नाल, जिहड़ी सिक्योरिटी पक्खों जिहड़ी अपनी तैयारी हैगी वो भी मुकम्मल हैगी। बाकी हाले भी साढ़े को एक दिन का समय है, जो भी कोई त्रुटियां हैगी वो असं पूरा कर लाँगे। सिक्योरिटी साड़ी सारी जी पटियाला फोर्स हैगी है वो 15 अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू नाल ही इस टाइम जो सिक्योरिटी रिक्रूटेड है, करीब 3500 तो 4000 के आसपास जो है साड़ी फोर्स इतने लगी है।
ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੀ ਥ੍ਰੈਟਿੰਗ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਇੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਇਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥ੍ਰੈਟਸ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਟਿਫਨ ਬਾਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੌਕਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਲਵਾਰਿਸ ਵਸਤੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿਣ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਉਹਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਥਾਣੇ ਜਾਂ ਚੌਂਕੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 181 ਅਤੇ 192 ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।